अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ चिकन लौकी की, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है और टेस्टी भी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। पसंद आए तो ट्राई ज़रूर करिएगा। और चलते हैं रेसिपी की जानिब। ये मैंने एक प्याज ले लिया है बड़े साइज़ का, और इसको अब मैं ब्राउन कर लूँगी, लाइट ब्राउन। फिर उसके बाद अगला स्टेप करेंगे। अच्छा, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं हमारे प्याज। इसमें हम टमाटर एक डाल देते हैं। इसके साथ ही हम चिकन भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, भूनेंगे, इसका कलर चेंज हो। चिकन का कलर चेंज होने तक आप भूनें। फिर इसके साथ ही एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन लौकी बहुत मज़े का बनता है ये रेसिपी। साथ आप वाइट चावल बनाएं, चपाती दें या नान के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। चावल के साथ स्पेशली बहुत यम्मी लगता है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। हाफ टी स्पून हमने इसमें सौंफ डाल दी और हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया, हाफ टी स्पून धनिया ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला और डेढ़ टी स्पून 1.5 टी स्पून लाल मिर्चें, और ये वाला चम्मच एक हल्दी। इसको सबको हम मिक्स कर लेंगे। एक टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे सिर्फ कलर के लिए। अब इसको इसी तरह ही रख देंगे, पानी नहीं डालेंगे इसमें चिकन में, और इसको थोड़ा दम पे रख देंगे जब तक हमारी लौकी बॉयल हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे लौकी। गोश्त भून लिया, अब हम इसमें लौकी डाल देते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं, तो थोड़ा सा इसको मैश भी कर देते हैं साथ साथ। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। थोड़ी ये चटपटी होती है रेसिपी, बनाएं तो सारी फैमिली बहुत शौक से खाती है। तकरीबन हमारी रेसिपी तैयार है। थोड़ा बस ये पानी इसका खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। लौकी जो है बहुत अच्छी है सेहत के लिए, और ये ठंडी तासीर रखती है और ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए बहुत मुफीद है ये। इसका पानी आप बॉयल करके इसका पानी पिए, बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है। ये मैंने धनिया काट के डाल दिया, इसमें हरी मिर्ची भी डाल देते हैं।
चार पांच मैंने हरी मिर्ची डाल दी। ये देखिए मज़ेदार चिकन लौकी तैयार है। अब डिश आउट करती हूँ मैं ये डिश आउट करके माय यूट्यूब फैमिली, ये देखें मज़ेदार चिकन लौकी तैयार है। बहुत ही यमी और टेस्टी बनी है ये रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आए ये रेसिपी, और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और अपने इर्द गिर्द का भी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।